नमस्कार जन प्रभा सूर्यफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल सुबह 10 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने समेत कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। किसानों के साथ कारखानों को भी मिल सकती है लॉकडाउन से छूट। प्रधानमंत्री के सामने अर्थव्यवस्था बचाने की होगी चुनौती। उद्योग मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर पीएमओ से की सिफारिश। का सुरक्षा उपायों के साथ औद्योगिक गतिविधियों को दें अनुमति। लॉकडाउन पर सभी राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखी चिट्ठी। राशन पहुंचाने के लिए ट्रकों को दूसरे राज्यों में जाने की दी छूट। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का अभी तक 2,06,000 लोगों के किए गए टेस्ट। मंत्रालय बोला पिछले 24 घंटे में 796 पॉजिटिव मामले आए सामने। देश में अभी तक 857 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर नर्स समेत 3 को कोरोना। संपर्क में आए 39 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटाइन। मुंबई के भाटिया अस्पताल का 11 स्टाफ और निकला कोरोना पॉजिटिव। स्टाफ के 14 लोगों में पहले ही संक्रमण की हो चुकी है पुष्टि। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने शुरू किया दफ्तर से कामकाज। प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू समेत कई मंत्री पहुंचे कार्यालय। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खारिज की कांग्रेस की याचिका। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को बताया सही। कोरोना ग्रसित क्षेत्रों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बांटना चाहती है बीएमसी। मुंबई में दवा बांटने को लेकर आईसीएमआर से मांगी इजाजत। कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। सीएम उद्धव ठाकरे ने 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। संक्रमण के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया दावा। का तबलीगी जमात से जुड़े 58 लोगों में से 40 का लगा चुके हैं पता। सीएम योगी ने पर्व और त्योहार को लेकर धर्मगुरुओं से की अपील। का कोरोना के चलते सामूहिक आयोजन करने से बचे लोग। यूपी में कंस्ट्रक्शन साइट पर 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा कार्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकारी निर्माण की दी इजाजत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 85 लाख घरों में पहुंची मुफ्त गैस। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से की सप्लाई बढ़ाने की मांग। कोरोना की जंग में गूगल के सुंदर पिचाई ने बढ़ाया मदद का हाथ। गिव इंडिया को दान किए 5 करोड़ रुपए। भारत ने कहा शुक्रिया। कोरोना संकट के बीच अपने देश में नहीं जाना चाहते अमेरिकी नागरिक। का थैंक गॉड इंडिया में फंस गया। यहाँ की हालत सबसे बेहतर। तबलीगी जमात पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का बयान। का भारत सरकार को पूरी तरह से लगाना चाहिए प्रतिबंध। भीषण गर्मी के लिए तैयार हैं दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग। मौसम विभाग ने 2-3 दिन में गर्म हवाएं चलने की जताई संभावना। यूपी की राज्यपाल ने लॉकडाउन को लेकर पुलिस को दिए बड़े अधिकार। आपदा प्रबंधन अधिनियम में SHO सीधे कोर्ट में दायर करा सकेंगे केस। यूपी में 15 अप्रैल से 5,500 केंद्रों पर किसान बेच सकेंगे गेहूं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले 925 रुपए प्रति क्विंटल होगी खरीद। गाड़ जेल की विदेशी महिला कैदियों को सताने लगा है कोरोना का डर। 54 महिला कैदियों ने हाई पावर कमेटी को चिट्ठी लिखकर मांगी पैरोल। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले लोगों को मदद करने वाले सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहा है केस। पटियाला निहंग केस का 10 दिनों में ट्रायल पूरा करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। पुलिस पर हमला करने के मामले में 11 लोग हुए थे गिरफ्तार। बदावन बृदस्त मामले में शिवसेना ने फडणवीस पर किया हमला। का IPS को पूर्व सरकार ने गृह मंत्रालय में दी थी अहम नियुक्ति। एम्स में DRDO के लगे सैनिटाइजर चैम्बर को किया गया बंद। स्टाफ ने एलर्जी होने की दर्ज कराई थी शिकायत। DU के शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर लगाया आरोप। का असामाजिक तत्व भेजने लगे हैं अश्लील मैसेज और फोटो। UPPCS परीक्षा के लिए आयोग ने घोषित की 21 जून की तारीख। परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरने और परीक्षा तिथियों पर खड़े किए सवाल। हिमाचल की ऊना पुलिस ने तबलीगी जमात के 5 लोगों पर दर्ज किया केस। मौलाना और उसके बेटे सहित 4 पर लगाया जानकारी छिपाने का आरोप। तमिलनाडु सरकार ने NGO और राजनीतिक दलों से की अपील। का लोगों की सीधे मदद करने के बजाय सरकार को दान करें धन। दिल्ली में अवैध रूप से महंगी शराब बेचने पर पुलिस ने की छापेमारी। पंजाबी बाग इलाके के रफ्तार नामक पब और रेस्तरा में बिक रही थी शराब। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना को लेकर सदस्य देशों को दी बड़ी राहत। 3 गुना कर बढ़ाकर 20 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आनंद शर्मा ने सरकार से की मांग। बोले GDP की 6% राशि के बराबर हो आर्थिक पैकेज की घोषणा। आनंद शर्मा ने की भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर रोक की मांग। रिपोर्ट के अनुसार 40 करोड़ मजदूर चले जाएंगे गरीबी रेखा से नीचे। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर की गोलाबारी। भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया करारा जवाब। दिल्ली की थोक मंडियों में लागू होगा सम विषम नियम। उसी के आधार पर सब्जियां बेच सकेंगे व्यापारी। दिल्ली के थोक बाजारों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बिकेंगी सब्जियां। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक व्यापारी बेच सकेंगे फल। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए हर जरूरी उपाय करेगा रिजर्व बैंक। गवर्नर शशिकांत बोले गिरावट रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। दिल्ली NCR में 24 घंटे में भूकंप से दूसरी बार हिली धरती। रिएक्टर पैमाने पर 2.7 आंकी गई तीव्रता। दहशत में लोग। एयरप्लेन पर कोरोना से संबंधित सवालों की झड़ी। कुछ गंभीर तो कुछ मूर्खतापूर्ण पूछे जा रहे हैं सवाल।
रमजान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की अपील, बोले घर पर ही रहकर इबादत और इफ्तार करें लोग। घर से ना निकलने का संदेश देने पर जापानी पीएम आबे की आलोचना, सोशल नेटवर्क पर दी जा रही है गुस्से से भरी प्रतिक्रियाएं। जलियांवाला बाग के शहीदों को पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि, सोनिया राहुल समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी शहीदों को किया नमन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तबलीगी जमात को लेकर किया दावा, बोले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 58 में से 40 की हुई पहचान। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल प्राधिकरण का किया दौरा, अधिकारियों से बैठक कर जरूरी काम निपटाने के दिए निर्देश। टी20 विश्व कप में वापसी पर बोले विस्फोटक बल्लेबाज डिविलियर्स का, दक्षिण अफ्रीका टीम को नहीं बताऊंगा झूठी उम्मीदें। बीसीसीआई ने शेयर किया ओपनर स्मृति मंदाना का डे प्लान, लॉकडाउन में फिल्में देखना और 10 घंटे सोना है काम। महिला खिलाड़ियों को लेकर स्मृति मंदाना ने किया दिलचस्प खुलासा, कहा देश में लॉकडाउन के बीच लूडो खेल रही है टीम इंडिया। रमेश राजा ने की पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम की तारीफ, कहा आजम में विराट कोहली से आगे निकलने की क्षमता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।